हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप? आपको स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज फिर से मैं आपके लिए जो गवर्नमेंट द्वारा जो वैकेंसियां हैं वो निकाली गई हैं उनके बारे में आपको बताने वाला हूं। और ये वैकेंसी मैं आपको बता दूं, काफ़ी सारी इस डिपार्टमेंट में काफ़ी सारी ऐसी पोस्ट हैं जो दोस्तों नीचे लेवल से लेकर ऊपर लेवल तक की जो वैकेंसियाँ निकाली गई हैं, मतलब जो कम क्वालिफाइड लोग हैं या उससे ज़्यादा क्वालिफाइड लोग हैं, जिनकी क्वालिफिकेशन ज़्यादा है उनके लिए भी और जिनकी क्वालिफिकेशन कम है उनके लिए भी इस डिपार्टमेंट में जो वेरियस जो गवर्नमेंट द्वारा वैकेंसियाँ हैं वो निकाली गई हैं, मैं उनके बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें दोस्तों। और जो पोस्ट निकाली गई हैं उनके भी मैं आपको नाम बताने वाला हूँ, कौन कौन सी आपकी पोस्ट है वो मैं आपको बताने वाला हूँ अपनी इसी वीडियो में। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ आपका डिपार्टमेंट। सबसे पहले तो ये आपका डिपार्टमेंट होने वाला है दोस्तों हॉस्पिटल। हाँ दोस्तों, जितने भी सरकारी अस्पताल हैं मैं आपको बता दूँ दोस्तों, उनके लिए आपको अप्लाई करना है। तो आपको कैसे अप्लाई करना होगा, सरकारी अस्पताल में आपकी कौन सी पोस्ट है वो सबसे पहले आपको बता देता हूँ दोस्तों। ऐसे कि कम क्वालिफाइड लोग हैं, जो कम क्वालिफिकेशन उनके बारे में बता देता हूँ। जैसे कि आप मेल हैं या आप फीमेल हैं उनके लिए बता दूं, उसमें मेल नर्स और फीमेल नर्स की बहुत ही बड़े लेवल पे वैकेंसियाँ निकाली गई हैं और मेल कंपाउंडर की भी निकाली गई हैं दोस्तों। मैं आपको बता दूं, मेल नर्स और मेल कंपाउंडर होते हैं, उन दोनों की जो पोस्ट हैं वो अलग होते हैं। तो उनके लिए आपके जो वैकेंसियाँ हैं वो निकाली गई हैं। काफ़ी सारे टेक्नीशियन में निकाली गई हैं दोस्तों, जो फार्मासिस्ट होते हैं दोस्तों, फार्मासिस्ट कंपाउंडर, उसमें भी आपकी वैकेंसियाँ निकाली गई हैं। अगर आप में मतलब किसी इनमें से आप इंटरेस्ट रखते हैं, काफ़ी उसमें से भी काफ़ी ज़्यादा जो वैकेंसी हैं और भी हैं वो आप हमारे जो वेबसाइट है वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं, जिनके लिए आपको अप्लाई करना होगा दोस्तों। अच्छा खासा डिपार्टमेंट है तो उसमें आपको अच्छी खासी सैलरी मिल सकती है सरकारी अस्पताल में दोस्तों। गवर्नमेंट आपकी जॉब इसमें आसानी से लग जाएगी, आपको कुछ नहीं करना होगा। इसका जो फॉर्म है वो दोस्तों, वो भी मैं आपको बता दूँ, कुछ ज़्यादा रुपये का फॉर्म नहीं है, मात्र 25 रुपये का इसका फॉर्म है आपका। आपको 25 रुपये का फॉर्म है जो गवर्नमेंट द्वारा निकाला गया है, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर गवर्नमेंट की। और मैं आपको बता दूँ उसकी लिंक जो है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मिल जाएगी, तो वहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, आपको हमारे चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे आपको जो डेली अपडेट है वो आपको मिलती रहे। और मैं आपको आगे की डिटेल्स बता देता हूं इसकी। तो इसमें आपकी जो एज मतलब एज लिमिट है वो दोस्तों आपकी ज़्यादा नहीं है। आपकी जैसे कि आपने 18 साल अगर आपके हो चुके हैं तो उसके बाद आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। और क्वालिफिकेशन में भी इसकी आपकी ज़्यादा क्वालिफिकेशन नहीं है, आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन अगर 12th पास है तो अभी आप इसके लिए आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। उसमें काफ़ी जो वेरियस पोस्ट हैं, मतलब काफ़ी सारे जो पोस्ट हैं दोस्तों, उसमें काफ़ी पद निकाले गए हैं, उनके लिए आप जल्दी से जल्दी देर ना करें, जल्दी से अप्लाई जरूर करें दोस्तों। सबसे पहले वेबसाइट बता देता हूँ दोस्तों, अगर आप गूगल पर सर्च करते हैं हेल्प एंड रोजगार, तो आपको नंबर है उन पर इसकी जो वेबसाइट है वो मिल जाएगी। वहाँ पर जाकर इसका जो ऑफिशियल लिंक है वेबसाइट का, वो भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। वहाँ पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी दोस्तों। जो वैकेंसियाँ निकाली गई हैं गवर्नमेंट द्वारा, इनके लिए आप जल्दी से जल्दी अप्लाई जरूर करें दोस्तों, आप बिल्कुल भी देर ना करें। और हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें दोस्तों। अगर जिसको भी इंटरेस्ट है मेडिकल लाइन में वो इसको अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, आप देर ना करें। अगर आपके पास जैसे कि कोई डिप्लोमा है आपका मेडिकल लाइन से रिलेटेड, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास क्या सर्टिफिकेट मेडिकल लाइन से या आपके पास कोई भी डिप्लोमा है, तो आप देर ना करें, इसके लिए जल्दी से जल्दी अप्लाई कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों हमारी।